हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर नगर परिषद ने गुरुवार को सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद और वन विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने टीम पर राजनीतिक द्वेषता के चलते कार्रवाई करने के आरोप लगाए। सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण की शिकायतों के बाद बाड़मेर प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। बाड़मेर नगर परिषद और वन विभाग की टीम ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में गुरुवार को बाड़मेर शहर के अलग अलग इलाकों में नगर परिषद और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। भू माफिया ने बाड़मेर शहर के आसपास के पहाड़ों तक को नहीं बख्शा। पहाड़ों को खोदकर अवैध रूप से कब्जा कर उसे बेचकर चांदी कूट रहे हैं। टीम ने गडरा सर्कल के पास सरकारी जमीनों पर पहाड़ों को खोदकर हुए अतिक्रमण को मुक्त करवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। कई स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि टीम राजनीतिक रंजिश के चलते कुछ लोगों को निशाना बना रही है, जबकि उसी खसरे में कई और भी मकान बने हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि बाड़मेर में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को मुक्त करवाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। हिंगलाज नगर और गडरा सर्कल के पास सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक रंजिश के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही है, लोगों के आरोप निराधार है। स्थानीय निवासी कैलाश मेहता ने बताया कि नगर परिषद की टीम टारगेट करके चुनिंदा घरों को तोड़ रही है। ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष की भावना से ही की जा रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।